सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिरासत में है, बात करते हैं। सचिन जी, आज की पूछताछ खत्म हुई, आप सबको हिरासत में लिया गया, क्या संदेश आप लोग देना चाहते थे, कितने कामयाब? भाई, भारत सरकार ने मन बना रखा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको टारगेट किया जाए और भारत सरकार की तमाम जो एजेंसीज हैं उनका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। और जो केस बनाया गया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई FIR नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, लेकिन जानबूझ के सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं को। तो आज जो हमारे देश में हालात बने हैं उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है, हम सबको भी डिटेन किया गया, क्योंकि हम अपने ऑफिस के बाहर अगर धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो कहाँ से गैरकानूनी है? तो आप धरना नहीं दे पाएंगे, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, आप मोर्चा नहीं कर, लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, उसको छीनने का काम सरकार कर रही है। और देश में ज्वलंत मुद्दे आज महंगाई के हैं, रोजगार के हैं, चीन अतिक्रमण कर रहा है हमारी सेना को लेकर भारत सीमाओं पर, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन एजेंसीज का पूरा मिसयूज कर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। पिछले कई सालों में सबने देखा है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ है उसको टारगेट करो, उसको बदनाम करो, उस पर रेड पड़ेंगी, FIR होगी, जांच होगी, सिर्फ प्रतारपण करने के लिए किया जा रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बाकी जांच में हम सारे जब भी बुलाए हम जवाब देने वहां गए हैं, 7 साल के बाद 8 साल के बाद इसको दोबारा उठाया गया है सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए। कई घंटों से आप लोग हिरासत में हैं, पुलिस क्या कह रही है आप लोगों? देखिए, पहली बात तो हम अपने पार्टी के ऑफिस में थे, हम अगर वहां कुछ बात रखना चाहते हैं तो हम अलाउ क्यों नहीं किया जाता है? पूरी छावनी बना दिया था हमारे कांग्रेस के मुख्यालय को, हम सबको यहाँ पे डिटेन किया गया है। तो ये सरकार का जो काम करने का तरीका है उसमें बल प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता का पूरा उपयोग कर रहे हैं और विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। क्या रणनीति होगी आगे? हम लोग अपना ऐसा है, जब जो भी करना हम लगातार करते रहेंगे, किसी से डरने वाले नहीं है, चुनौती का सामना करेंगे और हमारा जो सत्याग्रह है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सचिन पायलट पार्टी के बड़े चेहरे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार संघर्ष करती रहेगी। और कांग्रेस सबसे बड़ा सवाल ये उठा रही है कि आखिर जब पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से तो उसके खिलाफ कांग्रेस को प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस का। और जहां तक पूछताछ का सवाल है तो कांग्रेस पहले से ही आरोपों को लगातार खारिज करती आई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ जैनेन्द्र, ABP News, दिल्ली।